कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी भीषण गर्मी से इस कदर परेशान हो गए हैं कि कल देवरिया में एक रैली में भाषण के दौरान उन्होंने बोतल से पानी पीने के बाद बचा हुआ पानी अपने सिर पर यह कहते हुए उड़ेल लिया कि गर्मी बहुत है। राहुल गांधी अक्सर कुछ अलग करने की कोशिश में ऐसा कर जाते हैं कि वो न सिर्फ हंसी का पात्र बन जाते हैं बल्कि लोगों के निशाने पर भी आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ इस घटना के बाद भी हुआ। राहुल गांधी का सिर पर पानी उड़ेलने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, लोग राहुल के इस वीडियो पर तरह तरह के फनी कमेंट्स भी कर रहे हैं। उन्होंने एक बोतल से पानी पिया और दर्शकों से कहा, गर्मी काफ़ी है। इसके बाद राहुल गांधी ने बोतल से पानी अपने सिर पर डाल लिया और फिर दर्शक ताली बजाने लगे। राहुल गांधी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने निशाना साधा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, राहुल गांधी का एक ही एजेंडा है कि बिना मुंह धोए मोदी जी को कोसना। सुबह उठकर हाथ मुंह धोए बिना पीएम मोदी को गाली देना शुरू कर देते हैं। जिस व्यक्ति को यह नहीं पता कि अपना झूठा पानी अपने सिर पर नहीं डाला जाता, वो आदमी पीएम मोदी के ऊपर इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। सच बात यह है कि राहुल गांधी को भारत की संस्कृति, सभ्यता, परंपराओं का बोध नहीं है। विदेशी परिवेश में पले बड़े राहुल गांधी को पहले भारत को जानना होगा, इसके बाद वे भारत के प्रधानमंत्री पर बोलने का प्रयास करें। वहीं शिवम त्यागी नाम के एक बीजेपी समर्थक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर राहुल का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि चुल्लू भर पानी में डूबने की इतनी क्या जल्दी थी, 4 जून तक तो रुक जाते। वहीं विमलेंद्र झा नाम के एक अन्य सोशल मीडिया यूजर ने इस पर कमेंट करते हुए लिखा कि झूठा पानी सिर पर डाल लिया उच्च कुल ब्राह्मण ने। आशुतोष डागा नाम के एक यूजर ने लिखा कि जिस बोतल से मुंह लगाकर पानी पिया उसी बोतल के पानी को अपने सिर पर डाल लिया, यह केवल नाटकीय प्रदर्शन है। वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट में लिखा कि यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, बैंकॉक की याद आ रही है। राजेश चौधरी नाम के यूजर ने लिखा कि 4 जून को तो एक गिलास पानी से काम नहीं चलने वाला, कई घड़े पानी सिर पर डालने की नौबत आने वाली है। दरअसल राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के मतदान से पहले देवरिया में रैली करने पहुंचे थे। लोकसभा चुनाव ऐसे वक्त पर हो रहा है जब ज़्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है, हीट वेव और लू से लोग बेहाल है। ऐसे में राहुल गांधी भी गर्मी से परेशान हो गए हैं। उन्होंने अपना भाषण रोककर पहले पानी पिया, उन्होंने कहा कि गर्मी काफ़ी है और फिर बचा हुआ पानी सिर पर उड़ेल लिया। देवरिया में राहुल गांधी बांसगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सदल प्रसाद के लिए वोट मांग रहे थे। इस लोकसभा सीट में गोरखपुर जिले के चोरी चोरा, बांसगांव और चिल्लू पार्क के विधानसभा क्षेत्रों और देवरिया जिले के रुद्रपुर और बरहज के विधानसभा क्षेत्र शामिल है। बांसगांव लोकसभा सीट से 8 उम्मीदवार मैदान में हैं और मुख्य चुनावी मुकाबला निवर्तमान सांसद एवं बीजेपी उम्मीदवार कमलेश पासवान और कांग्रेस के सदल प्रसाद के बीच है। इस सीट पर मतदान 1 जून को होना है। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।